नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट वाला हार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैजिक पीएचडी फाइल क्या है, कैसे काम करती है, कौन सी इसमें प्रोसेस है, क्या क्या इसमें होता है और इसको बनाया कैसे जा सकता है और एक कस्टम बना हुआ कैसे रहता है डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट के साथ। उसके अलावा इसको वर्क करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या ये बेस्ट है, जरूरी है, ये सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा ये चैनल आर्ट वाला हार्ट का सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड बेस्ट ट्रिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को मैं देता हूँ, समझाता हूँ कि कौन सी चीजें बेस्ट होगी, क्या होगी, इन सारी चीजों के ऊपर में हम बात करते हैं। तो देखेंगे कि क्या है। तो इसके अलावा हमारा सेकेंड चैनल है, बैकअप चैनल विकी क्रिएशन के नाम से। आर्ट वाला हार्ट को सब्सक्राइब करके अगर हो जाए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पॉज बिल्कुल नहीं होगा, वीडियो चलता रहेगा कंटिन्यू। और उसे भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लो, ताकि जब कभी भी मैं उस वाले चैनल पर फोटोग्राफी से रिलेटेड फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोज पोस्ट करूँ, आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पर मैं बात करूंगा, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं टेक गो, इन्होंने कहा है कि इनने पहले भी कोई इंक्वायरी किया था मुझसे, पूछा था कोई चीज़, तो उसका जवाब मैंने 100% जीनाइन दिया था। इनने कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत लिख दी थी, पर फिर भी मैंने चार तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और इन्होंने उस वीडियो के नीचे भी थैंक यू का मैसेज अदा किया कि ये चीज़ हमने समझाया, तो काफ़ी थैंक यू करके। और इनका वापस एक क्वेरी है कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है पीएचडी, मैजिक पीएचडी, ये सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो इस पीएचडी का क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट कैसे देता है, इसको क्या है एक्सप्लेन कंप्लीटली करिए, इसके बारे में जरूर बताइए। मैं जितनी चीज़ें पढ़ता हूँ, मैंने पहले ही इनका कॉमेंट रीड कर लिया था, तो एक्चुअल पढ़ के मैं कभी भी जवाब नहीं देता हूँ, मैं उस कॉमेंट को जो समझता हूँ वही चीज़ में उसका जवाब देता हूँ। तो देखते हैं कि ये मैजिक पीएचडी क्या है, कैसे काम करती है, इसका प्रीमियम तरीका बताऊंगा, इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, इसको कंप्लीटली आर्ट वाला घाट में हम समझेंगे कि चीज़ क्या है, कैसे वर्क करती है और कितना इसको सुधारा समझाया जा सकता है। तो देखेंगे यार आगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले भाई, हर वो प्रीमियम चीज बताएगा आपको जो आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग जीना इन तरीके से कमेंट करिए और पूछिए कि ये परेशानी है, जरूर बताऊंगा मैं आपको। यहां से मैं फोटोशॉप ओपन करा लूंगा, फोटोशॉप के अंदर में ये फाइल लूंगा, मैं सबसे पहले इस फाइल को लूंगा और यहां पर ड्रैग करूंगा। याद रखिए, मैंने आप लोगों को पीएचडी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज होती है, ये वाला प्रीवियस वीडियो में समझाया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें फोटोशॉप के अंदर में बताइए, लगभग 570 वीडियो से ज्यादा मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाके देखो, वहां पर हर वो चीज आपको मिल जाएगी। और बहुत ही जल्दी हम 600 वीडियो कंप्लीट डाल देंगे, ताकि आप लोग सब कुछ सीख सको, हर परेशानी आने वाली स्टूडियो और फोटोग्राफी के अंदर में उसको एक्सप्लेन भाई ने किया है। तो बस यार जाके देखोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली। ये एक फाइल है जो कि साधारण पीएचडी टाइप आपको लग रही होगी, लेकिन एक मैजिक पीएचडी फाइल है। ये कैसे काम करती है ये मैं बताता हूं। मैजिक पीएचडी का मतलब सिर्फ यही है कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉक्स में, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप फोटो पेस्ट करते हैं, सेट करते हैं, ऑटोमेटिक ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं, तो वो जो चीज़ है अपने आप इफेक्ट बदल ले या कोई नया इफेक्ट आ जाए, यही चीज़ मैजिक पीएचडी में बनाया जाता है। अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मैं अपने तरीके से बनाता हूं, सभी लोग अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए सबसे सटीक तरीका बताऊंगा। यहां से मैं एक फोटो लेने वाला हूं, इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, यहां पर सिंगल वे में रख दूंगा। यहां पर फोटो लेके आना है आपको और सिंगल वे में सिर्फ इसको कॉपी करना है आपको। ध्यान देंगे, इन दोनों कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा, और पेस्ट करने पर इस फोटो को ड्रैग करके लेके आएंगे यहां पर, और यहां पर रख दूंगा मैं पीएचडी फाइल में। यहां रख दिया मैंने, और इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं यहां तक के, ठीक है। और यहां से थोड़ा नीचे करेंगे हम इस फोटो को, जैसे कि मैं कहां तक लेके आऊं इसको, थोड़ा पीछे करूंगा, इस लेयर की बटन से इसको पीछे कर सकते हैं आप, जहां तक पीछे करना चाहे वहां तक, मुझे यहां तक के पीछे करना है। जैसे ही मैं पीछे करूंगा, इस ग्रुप को डिलीट कर देंगे, सबसे पहले अनग्रुप कर देंगे। मैजिक पीएचडी में अलग अलग टाइप के होते हैं, और इसको करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और सेकंड वाले को भी करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इसको भी करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब आप देखेंगे ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखेंगे आप, ये जो फोटो है, यहाँ से अगर मैं इस फोटो को, दोनों को कंट्रोल लिंक है ये फोटो आपस में लिंक है, इस लेयर को अगर ऊपर कर देता हूँ तो रंगीन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगा
ये वाले हुई एंड सेचुरेशन के नीचे, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी आप अलग अलग कलर इफेक्ट इस पे दे सकते हैं, 50 तरीके हैं यहां पर अलग अलग कस्टम इसको बनाने के। इसके अलावा और एक चीज बता दूं मैं, इसको एक्टिव कर दूंगा मैं, ये हुई एंड सेचुरेशन को अगर मैं बंद कर देता हूं तो ये चीज बंद हो जानी थी, लेकिन ये नहीं होगी बंद क्योंकि मैंने इसको ऐसा बनाया ही हुआ हूं, इसलिए ये चीज कंप्लीटली वर्क करेगी। देखेंगे ये और ये कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया यहां पर। उसके अलावा यहां पर हम एक फोटो और पेस्ट करेंगे, यही फोटो को लेके आना है मुंह करा के, यहां से अगर ग्रुप ना भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुंह करा के लेके आऊंगा सिंगल वे में यहाँ, और इस फोटो को यहाँ ड्रैग करके रख दूंगा। बस यहाँ फोटो रखना है मुझे, और इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, बस इतना हो गया। अब देखेंगे ये क्यों नहीं बदला, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया हुआ है इसको एक्टिव नहीं किया था, जैसे ही मैंने एक्टिव किया वैसे ही ऑटोमेटिक मैजिक पीएचडी के रूप में ये चीज चल गई, और इसको ग्रुप को थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने फोटो ये थी लेकिन इफेक्ट ये बनके तैयार हो गया। तो मैजिक पीएचडी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर किसी, जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर बॉक्स में कोई फोटो को आप डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से एक फोटो फिर से बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोग चीजें समझ में सही से आ जाए। ये फोटो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से इस फोटो को डिलीट कर दूंगा, और मैंने जो फोटो पेस्ट किया था यहाँ से, क्या कर रहा हूं अभी इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे आप लोग, यहां से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि नोटिस कहां से करना है। देखेंगे ये फ्रेम बराबर बना हुआ है, इस फ्रेम को सिंगल वे में क्लिक करेंगे और यहां से मैं पेस्ट करूंगा इसको, लोड डिफॉल्ट में क्लिक करूंगा यहां से, लोड सिलेक्शन में, और यहां से जैसे ही पेस्ट करूंगा वैसे ही बाय डिफॉल्ट फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इधर बाहर पेस्ट करके देखूं फोटो को तो ये फोटो तो नॉर्मल है। इस फोटो के ऊपर फोटो को प्रेस करो, देखेंगे नॉर्मल फोटो है, और इस फोटो को अगर इसके अंदर मैं ले जाता हूं, यहां से इसको सिलेक्ट किया मैंने, ध्यान से देखेंगे, ये सारी चीज नहीं देखना है, सिर्फ जो चीज बताया जाए उसी चीजों को नोटिस करिए आप। लोड सिलेक्शन, और उसके बाद इसके अंदर अगर मैं पेस्ट करता हूं आपको देखेंगे बाई डिफॉल्ट ये चीज बदल चुकी है। तो ये चीज होता है मैजिक पीएचडी का मोटिव, मेन चीज यही होता है, और ऑटोमेटिक अपडेटेड ये चीजें बनाई जा रही है, करेंट टाइम में सिर्फ यही चीज चल रही है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोले कि मुझे पीएचडी चाहिए मैजिक वाली, तो यार मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज को बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मैजिक पीएचडी 1, 2, 4, 10 बना के मैं आप लोगों को दे सकता हूं। अगर आप लोग 100 से ज्यादा कॉमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक को बनाने के लिए सोचूंगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर फोटोशॉप से रिलेटेड, फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तुरंत कमेंट करके बताओ, भाई बेटा हर चीज को एक्सप्लेन करेगा बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक वे में करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझसे बात करना इंस्टाग्राम पे तुरंत आओ, सॉफ्टवेयर बाय करना कम प्राइस में आपको दिला दूंगा। आर्ट बालाघाट की वेबसाइट चेक करें और विकी क्रिएशन YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पीएचडी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट करिए, मैं आर्ट बालाघाट वेबसाइट में इस पीएचडी को डाल दूंगा ताकि आप इसका सही यूज कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर अपने विचार प्रकट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।